यूट्यूब के बारे में जो जो मैं सीखा हूँ अब तक, कैसे चैनल बनाना है, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कैसे एडिटिंग करना है और टाइटल थंबनेल कैसे लगाना है, सब मैं आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज का ब्लॉग हम लोग अभी स्टार्ट करें, शाम के 4 बजे घूमने आए हैं बाहर। आरफा को लेके आया हूँ और अभी आरफा बकरियों से लड़ना शुरू कर दी भी। आरफा डर रही है बकरियों से। नहीं नहीं, कुछ नहीं करेगा बेटा, डर क्यों रहे हो, वो तो अपने रास्ते चला गया। आओ ना, आओ खेलोगे, आओ आरफा, आओ खेलोगे बकरी से। केक लेके आ गए थे क्या? हाँ, ये खाती है ना, कहीं जाने से इसको खाना होता है, पीना होता है, तो इसमें पानी भी लाइए। खा के तो देखो, टेस्ट करके देखो, बहुत ही यमी है। चलो बकरी पकड़ते हैं, आ जाओ। जल्दी जाओ, बकरी तुमसे तेज दौड़ रहा है, तुम पकड़ो ना उसको। और तो यहाँ है एक तो छोटा सा, हाँ पकड़ो 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 पकड़ो। नहीं, थक गया, मैं नहीं पकड़ूंगा, वो तुम्हारी फ्रेंड बनेगी ना, तुम पकड़ो, आ जाओ, पकड़ो 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 पकड़ो। हाँ, सूखा पत्ता खा रहा है वो, उधर गंदा है। ओ तो छोटा बेबी, वो कितना छोटा है, चलो पकड़ो उसको। भाग गया, नहीं पकड़ूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मत पकड़ो, छोड़ो, जाने दो। तो आईब्रो के लिए और ब्लीच के वीडियो बनाने हैं ना, नहीं बोले तो मुझे? हाँ बनाऊंगी बनाऊंगी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, अच्छा हो जाएगा तो बनाऊंगी। आज एक दिन तबीयत ठीक नहीं है ना, बाकी के 4 महीने से जो नहीं बना रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग ही थोड़ा समझाइए बताइए, इतना सारा कमेंट आता है और हमारे आईब्रो और फेशियल के वीडियो को इतने सारे लोग देखते हैं, पर इनको बोलता हूँ बनाने के लिए तो बनाते नहीं हैं, घबरा जाते हैं। घबराती नहीं हूँ, लेकिन मुझे वक्त नहीं होता है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं अभी, उन लोग को पीछे देखो, आरफा को तो देख ही सकते हो, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे उन लोग को टाइम देना पड़ता है। अभी पार्लर में जब भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है, फिर मेरा घर में जो काम करती थी मेरी, जो भी हेल्पर थी वो चली गई, तो पूरा घर का काम का बोझ है मेरे ऊपर है, तो सुबह से शाम तक मैं पूरा फुल एंगेज रहती हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं थोड़ा सा भी वीडियो बना पाऊँ। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना टाइम सेट करके थोड़ा टाइम निकालूंगी। अभी इंशाल्लाह बच्चे लोगों का स्कूल खुल जा रहा है, तो स्कूल बच्चे लोग जब स्कूल चले जाएंगे तो मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा, तो मैं पार्लर के ऊपर वीडियो बना के डालूंगी। मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें भी मैं करूँगी। मैं जो बोलते हैं घरेलू पैक भी बताऊँगी, क्या क्या लगाना है। पैक बनाना तो ज़रूरी है, हाँ वो भी मैं बताऊँगी, लेकिन उसके लिए भी मेरे को टाइम चाहिए ना, क्योंकि मेरे को सब सामान रेडी करना पड़ेगा। फिर मैं जैसे तैसे तो मेरे व्यूअर्स को नहीं बता सकती, जो भी अच्छी चीज़ें ही बताऊँगी जो उन लोग घर बैठे भी अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी तो तैयारी करना पड़ेगा। तो सही है भाई, हाँ तो बच्चे लोग जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँगी वही चीज़ मैं दिखाऊँगी, और रियल करके मेरे चेहरे पर ही करके दिखाऊँगी, तो उन लोग लगा सकते हैं। हाँ बोलिए, गुस्सा आ रहा है मुझे, वीडियो ऑन नहीं करके मैं बोल ही जा रही हूँ और वीडियो ऑफ करके रखते हैं। यहाँ पर स्पेस देख सकते हैं, तो आरफा यहाँ हमेशा लेके इसलिए आते हैं कि यहाँ गाड़ी मोटर आता नहीं है, और आरफा आराम से दौड़ती है, भागती है, खेलती है। और आप तो देख ही चुके होंगे मेरे घर में, क्योंकि पार्लर वहाँ पर है तो बहुत कॉन्जेस्टेड रहता है ना, रोड साइड में भी घर है, रोड साइड में भी घर है, गाड़ी वगैरह आते रहते हैं, और स्पेस भी नहीं है, उसको खेलने के लिए नहीं मिलता है, तो कभी कभी हम लोग उसको यहाँ ले आते हैं। और देखिए कैसे दौड़ भाग कर रही है, मैं दिखाती हूँ कैसा इन्जॉय कर रही है, इसलिए मैं कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ, और यहाँ उसको अच्छा भी लगता है हमेशा, क्योंकि मेरे को डर नहीं रहता है ना यहाँ गाड़ी आने का जाने का, स्पेस है इसलिए। स्पेस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा स्पेस है, और अच्छा जगह है, यहाँ से तो पूरा पहाड़ तक स्पेस है। पहाड़ तक पहाड़ नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं ये दिखा रही हूँ कि स्पेस नहीं, यहाँ ज़्यादा धुआं वगैरह भी नहीं होता है ना। हाँ, ज़्यादा धुआं तो है नहीं, सच बात है, धुआं कहाँ हमारे घर के पास, धुआं होता है क्या जी? गाड़ी वाड़ी आता है ज़्यादा यहाँ, गाड़ी का धुआं, अभी हंसी आ जाएगी ना, अभी हंसी आ जाएगी तो मेरी बच्ची आती रहेगी ना यहाँ पर। हाँ, पिछले 4-5 ब्लॉक से पहले हम लोग दिखाए थे यहाँ पे हंसी घर है, इधर से लेफ्ट जाने से गए थे, दिखाए थे आप लोग को।
हाँ, तो हंसी आ जाएगी तो उसकी छोटी बच्ची है उसके साथ भी हम लोग ब्लॉग बनाएंगे, एक छोटी बेबी को दिखाएंगे, प्यारी सी बच्ची को। आरफा की छोटी बहन आ गई है और आरफा भी खेलेगी उसके साथ। तो अभी स्कूल जाएंगे तो संडे का एक दिन जो उन लोग को मिलेगा अपने भाई बहन लोग के साथ उन लोग बिताएंगे, तो बच्चे लोग का भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा क्योंकि एक साल से उन लोग अपने भाई बहन से दूर हैं। वैसे झिलमिल और सैफू लोग आए थे तो कल मजे किए, इन लोग बहुत मजे किए हैं, बहुत मजे किए। वो भी कजन है, ये भी कजन है, ये चाचा के बच्चे हैं, ये मामू कजन है, वो चाचा कजन है। ओ ब्रो कहाँ घूम रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? भैया नहीं हो बेटा, कहाँ घूम रहे हो? हाँ बेटी क्या हो? ओ मेरी दीदी हो? हाँ दीदी। और सिस्टर कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो सिस्टर? बापरे एक्सरसाइज कर रहे हो? हाँ हाँ करो करो करो, आपकी बेटी एक्सरसाइज कर रही है। वैसा कैसा होगा, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान अगर खुद नहीं लेना चाहोगे तो दूसरे को ज्ञान बांटोगे तो फिर दूसरे का भी ज्ञान तो सुनना ही पड़ेगा ना। हाँ। मुझे जो ज्ञान बांटते रहते हैं तो आप भी तो कुछ ज्ञान लीजिए। तो दूसरे का ज्ञान नहीं, अभी मैं आरफा का खेलने का दिखा रहा हूँ ना, इसे पहले भी दिखाया हूँ, आप लोग तो देख ही चुके होंगे। तो मैं सोच लुका था कि तो कैसे एडिटिंग करना है, तो मैं वो हिसाब से शूट कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे बोल रहे ऐसे शूट करो, वहाँ से ऐसे शूट करो, पास से जाके शूट करो, तो एक ही चीज को बार बार शूट नहीं कर सकते ना। कैसे नहीं कर सकते, आप तो बड़े एडिटर दिखते हो। हाँ, आपको एडिटर मतलब अभी काइन मास्टर में एडिट कर करके मेरा पूरा हो गिले। ओके कभी मैं आप लोग को फुर्सत से बताऊंगा कि एडिटिंग कैसे करते हैं, जो भी अपना नया चैनल खोलूंगा यूट्यूब के बारे में, जो जो मैं सीखा हूँ अब तक, कैसे चैनल बनाना है, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कैसे एडिटिंग करना है और टाइटल थंबनेल कैसे लगाना है, सब मैं आपको बताऊंगा। और आप इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं जो अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो वो देखिएगा, मेरे चैनल पर आइएगा और बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इनका चैनल का लिंक, ठीक है? दे देंगे, लेकिन वो आने वाले दिनों में करेंगे क्योंकि अभी इसी में इसी चैनल का जो जितना सारा वीडियो होता है उसको एडिटिंग करने में और शूट करने में बहुत सारा वक्त निकल जाता है, बाकी अपना काम तो है ही अलग से। जो भी यूट्यूब चैनल हमारी तरह खोलना चाहते हैं, जिसको एडिटिंग नहीं आता है और बहुत कुछ मतलब यूट्यूब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो दूसरे बहुत सारे हैं जो ज्ञान बांटने वाले, लेकिन हम लोग छोटे मोटे से स्टार्ट किए तो हमारा जो जर्नी है वो शेयर करेंगे, ये कि कैसे कैसे ज्यादा हमारी तरह स्ट्रगल मैंने फेस करना नहीं पड़ेगा, इजीली आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो कर सकते हो ये आपको बताएंगे। जरूर बताएंगे बताएंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में, जो भी अभी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कीजिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं अपना चैनल स्टार्ट करूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। तो अभी तो घर के लिए निकलेंगे, देखते हैं आरफा का मूड बना है कि नहीं घर जाने के लिए, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए। आरफा आरफा जी क्या कर रहे हो? यहाँ हॉल है, यहाँ पे स्नेक निकलेगा, यहाँ मत जाओ। हाँ घर जाएंगे? नहीं। क्यों घर जाने का मन नहीं हुआ अभी तक? वो क्या पकड़े हो हाथ में, ये क्या है? कार्ड है। हाँ तो फिर चलो घर जाएंगे, चलो दौड़ो भागो मत, अब बहुत टाइम हो गया, आ जाओ जाएंगे, आओ। तभी हम लोग जाके घर आके पहुंच चुके हैं, आप यहाँ पर बैठ के रेस्ट कर रही है और मैं भी। कौन सा गाना? मेरी चाचा, मेरी मम्मी, मेरी चाची, क्या चाची और मेरी पापा हो गया। तभी आरफा खेल के आ चुकी है, अभी आरफा का खाने का टाइम हो गया। हलवा 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 खाओगे? हलवा नहीं बेटा, दूध रोटी और आधा। देखो ये क्या है, देखो तो सही, हलवा ठीक है, आ दूंगी दूंगी, आओ आओ हलवा दूंगी, आओ इसमें हलवा दूंगी, ठीक है इसमें, ये पसंद है ये रख देती हूँ, हलवा लेके आती हूँ, ठीक है? हलवा खाओगे ना, ये खाओगे दोनों? नहीं ये खाओगे या हलवा खाओगे? दोनों। बहुत चालू मत बनो, आओ ऊपर आ जाओ खाने के लिए। तब से झगड़ा झगड़ा उसका, जब भी आरफा का नींद का सोने का टाइम हो जाता है ना तो आरफा को गुस्सा आने लगता है, कभी उसका खाने का सोने का टाइम है। आराम से आराम से, और नहीं खाओ तीखा है ना, खा के सो जाओ। फ्रेंड्स टिंकी के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही उसका स्कूल भी खुलने वाला है, तो इसीलिए कल मैं जाऊंगी टिंकी का स्कूल और उसका यूनिफॉर्म वगैरह लेके आके सिलवाने के लिए भी दे दूंगी टेलर को। तो मेरी बच्ची बहुत एक्साइटेड है, मैं तो बोल रही थी घूमने जाने के लिए, लेकिन वो बोल रही नहीं 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 मेरा स्कूल खुल गया मैं कहीं नहीं जाऊँगी बोल के, क्योंकि 3 साल से बच्चे लोग घर पर पड़े पड़े
क्या हो गया बेटा? अभी 10 बज गए और कल मेरा एग्जाम है तो मुझे जल्दी उठना है। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।